देख रहे भी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। अभी थोड़ी देर पहले मैं महरौली के वार्ड नंबर 3 में था और उसी से आगे थोड़ा चले थे ये वार्ड नंबर 9 है। आपको बताते चलूं कि ये जो वार्ड नंबर 9 जो ये किशनगढ़ गांव है और बी न्यूज 24 का एक कार्यक्रम चल रहा है जो चुनावी चौपाल, जिसके तहत मैं हर वार्ड में जाके लोगों का रुझान, पब्लिक का रुझान, वहाँ का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कि पिछले 5 सालों में प्रत्याशियों के द्वारा क्या कार्य किया गया है वो सारी चीज मैं बताता हूँ और पब्लिक का रुझान भी लेता हूँ कि पब्लिक किस आधार पर वोट करेगी। और मैं आपको बता दूँ कि जिस समय जो जगह मैं खड़ा हूँ ये एक चौराहा है, अगर इधर जाते तो ये किशनगढ़ गांव है और सामने इस गांव का जो सबसे पवित्र जो धार्मिक स्थान जो माना गया बाबा लटुरिया का एक मंदिर है, बहुत बड़ा ये आस्था का इस इलाके का ये केंद्र है। और साथ ही जो इस तरफ जो है आप चले जाओगे तो यहीं पर एक मछली वाला पार्क भी आता और बसंत कुंज का रास्ता है। इस तरफ जो है वार्ड नंबर 3 के तरफ चले जाओगे, इधर से घूमेंगे तो वार्ड नंबर 2 की तरफ, तो यहाँ पे 2 की तरफ जाएंगे। यहाँ कुछ हमारे पब्लिक है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नाम बताइएगा अपना। अरुण कुमार। अरुण जी, कौन से वार्ड में आपका घर हुआ? वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 में। और इस बार आप जो है MCD में किसको देखना चाहते हैं और किस आधार पर आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने का? ओनली बीजेपी। बीजेपी क्यों? आपका बीजेपी, इसलिए बीजेपी ही तो थी ना पिछले 5 साल में यहाँ पे, आपके जो पार्षद थे वो तो बीजेपी के ही थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आए दिन इस जगह में पानी लगा रहता है, पानी का फवाड़ा चलता है, दरिया बना रहता, बहुत ही बुरी स्थिति है। आप इस तरफ चले जाते इधर भी बहुत पानी का जमावड़ा रहता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी को देंगे, क्यों? बीजेपी है तो संस्कार बचा हुआ है। नहीं, ये यहाँ तो संस्कारों की वोटिंग नहीं है ना, ये तो आम मुद्दा की वोट है, ये तो रोड नाली पानी का है। ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। इसमें संस्कार कहाँ से आ गए? संस्कार बचा हुआ, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ वो संस्कार बीजेपी का ही देन है कि कश्मीर में 370 आउट हुआ, 370 धारा खत्म हुआ कश्मीर से, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे ट्रिपल तलाक, ये सब खत्म हुआ। अब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है और बीजेपी को MCD का चुनाव में थोड़ी आएगा सिविल कोड? MCD के चुनाव में नहीं आएगा, बट हमें नीचे से ही ऊपर तक जाना है। अच्छा, यानी कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को बैठ देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। ये तो भैया एक पक्के मिल गए जो हम बीजेपी के देंगे। और यहाँ पे जो आप नाम बताइएगा? मेरा नाम चंद्र प्रकाश उपाध्याय है। और कौन से वार्ड में घर हुआ? ये वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में। आप किसको देख रहे हैं इस बार MCD में? 1977 से लेके अब तक चाहे हारे चाहे जीते बीजेपी को गया मेरा वोट। अच्छा, बीजेपी को। ये भी देखिए 1977 से भैया, तो यहाँ बीजेपी का ग्राउंड जो है ये संख्या ज्यादा, जब से जनता पार्टी थी ना फिर बीजेपी बन गई, जब से लगातार हारे चाहे जीते, शायद हल बैल था उस समय जनता पार्टी का ना? हाँ, हल बैल थे तब से आप जनता पार्टी यानी। तो बीजेपी में कौन सा मुखरा देख रहे हैं आप, किसको देख के दे रहे हैं वोट? मोदी जी तो अब आए तो पहले कौन थे? वो तो यहाँ तो कोई, यहाँ कौन हो सकता है अब जब बीजेपी को ही दे, लगता है कि बीजेपी विकास करेगी। चलिए अच्छी बात है। एक भाई है, देखो बाइक से आए, क्या नाम है? आनंद सिंह। आप कौन से वार्ड में घर हुआ? 155। 155 तो वार्ड है, वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 2। इस बार किसको वोट कर रहे हो? बीजेपी। बीजेपी, अरे वाह। तुम क्या कर रहे हो बेटे? हम काम कर, हमारा वोट नहीं है। चलो, तो ये भी भाई कह रहे हैं बीजेपी, तो एक जो है यहाँ अभी देखो बीजेपी का 3 हो गया भाई, और दूसरे पार्टी का अभी खाता भी नहीं खुला है, तो आप समझ रहे हैं ये हमारा जो एक ओपिनियन पोल है। आपका क्या नाम हुआ? अभिनव पांडे। अभिनव पांडे जी, कहाँ के रहने वाले हो? हम UP गाजीपुर। और यहाँ कहाँ, कौन सी वार्ड में घर है? वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में। इससे पहले आपके यहाँ के पार्षद कौन थे पता है? पार्षद जी बीजेपी से थे। क्या नाम था? आरती सिंह जी। आरती सिंह जी, पिछले 5 सालों में कितना काम कराया? वे उन्होंने तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कराया काम, लोगों का कहना है उन्होंने कुछ काम काम थोड़ा बहुत थोड़ा काम कराया उनको, थोड़ा काम करा। तो इस बार आपका वोट कहाँ होगा? इस बार भी बीजेपी क्यों होगा जी? अरे भाई साहब, वो बोले काम नहीं करा फिर करो बीजेपी, बीजेपी ही आएगी सब। क्यों क्यों ये फिर काम नहीं कराएंगे? नहीं फिर काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्यों होगा? बिल्कुल होगा जी। पहले नहीं होता, अब कैसे होगा? अब भी होगा जी। कौन करेगा? बिल्कुल, चेहरा बदल गया हमारे पार्षद का, चेहरा बदल गया। अच्छा, वो चेहरा बेकार था? नहीं, बेकार पसंद नहीं था चेहरा, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन
इस बार होगा, इस बार काम होगा, 100% होगा, रोड का काम होगा। आपका वार्ड नंबर दो में कहाँ पे घर है सो बताओ मुझे, लोकेशन बताओ। भुइया चौक पे। भुइया चौक पे। आप अभी यहाँ से जाएंगे तो आपको पता है रास्ते में कितना मजेदार रास्ता आएगा, पूरा एकदम बजबजाती हुई नाली दिखाई देंगे, गटर बहता हुआ दिखाई देगा। अगर शादियों में आप जाओगे तो बिना वो डिओड्रेंट जो रोड पे गिर रहा उसके छींटे पड़े तो आप जा नहीं सकते। तो फिर भी कह रहे हो बीजेपी? बिल्कुल जी बीजेपी। ये लोग पक्के कट्टर है भाई साहब, जो कहते हैं कि यहाँ कट्टर है, कुछ भी हो जाए। एक अंकल बोले 77 से अभी तक बीजेपी, जनता पार्टी थी तो भी बीजेपी, इनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलवीर सिंह है। आप कौन से वार्ड में घर हुआ? वार्ड नंबर दो में है। दो में। आप क्या कह रहे हो? हम तो बीजेपी को देते हैं। अभी बीजेपी को देते, मतलब देते क्यों आ रहे? आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? नरेंद्र मोदी और योगी के साथ है। योगी जी तो यूपी में है भैया। तो सही है, यहाँ के होते हैं नरेंद्र मोदी और योगी, एक ही बात है। नरेंद्र मोदी अब यहाँ योगी जी ना, योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं ना मोदी जी लड़ रहे हैं। अरे हम बीजेपी, उनकी पार्टी तो लड़ रही है। तो फिर पिछले बार भी तो उन्हीं की पार्टी थी। थी, लेकिन अब जो है और पार्षद बदल गए हैं ना। पार्षद बदल गए, अगर ये भी ना किए तो अगली बार वो लोग फिर बदल देंगे, फिर दे दें। करेंगे करेंगे, ये करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, विश्वास है भैया। कोई दूसरा नाम ही नहीं ले रहा भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाषिश चक्रवर्ती, मैं बंगाल से आया हूँ। आप हाथ को दोगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी दिया ही। खाट को दोगे? खाट को क्यों, वो तो निर्दलीय कैंडिडेट है। घड़ी को? घड़ी को क्यों दूंगा? सिटी को? सिटी को, वो भी निर्दलीय है। टॉर्च? मैं तो भैया एक ही चीज बता सकता हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मैं किसी को वोट नहीं दिया। बाकी दूसरा पार्टी का मुसलमान है? बाकी दूसरे को? आप हिंदू की बात कर रहे हो तो दूसरी पार्टी कौन सी? दूंगा ही नहीं मैं, यहाँ तो एक भी मेरा मन पसंद की चीज है ना। हाँ, हिंदू की बात कर, यहाँ सारे कैंडिडेट हिंदू या मुस्लिम है ही नहीं कोई। वो तो कोई बात नहीं, जिसको जो पसंद है, मेरा भारतीय जनता पार्टी को पसंद है, मैं उनको ही दूंगा वोट। चलिए भारतीय जनता पार्टी। एक और जी है हमारे, क्या नाम हुआ? विश्वजीत सरकार। सरकार कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी दुकान ये सामने में है और आप देखते हैं कि साल का जो तकरीबन 8 महीना यहाँ पे बहुत बुरा स्थिति रहता बना हुआ, आज तो लग रहा कि पता नहीं क्या चमत्कार सा हो गया जो मैं आया हूँ, इतना साफ सुथरा सूखा दिख रहता है। इसी चक्कर में हमने कैंडिडेट दूसरा चुना हूँ और इसी कैंडिडेट को हम जिताएंगे, बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, बीजेपी, और इसी कैंडिडेट को देके हम सारे काम कराए लेंगे, ये हमारी वादा है। अच्छा, और किशनगढ़ वार्ड मेरे वार्ड में और इंदु शर्मा जीत जाए तो हम पक्का काम कराएंगे और करा के दिखाएंगे। भैया सब यहाँ बीजेपी वाले बोल, नहीं सब बीजेपी कह रहे हो, कोई दूसरा नहीं, बड़ी कोई बात नहीं है। बेचारे दूसरे लोग, एक मिनट, दूसरा लोग नॉमिनेशन करके गलती कर दिया क्या? गलती करे कुछ भी करे उसका मर्जी है। तो ऐसा तो लग रहा दूसरी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। जो भी है हमारी पार्टी जीत गया और हम काम कराएंगे, हर गली गली में कराएंगे, हर काम कराएंगे। देखो भैया का क्या गजब का मुंह है, हमारे भैया आए हैं। अरे आइए आइए आइए, इधर आइए भाई। आप गार्ड है, डर रहे हो यार, क्या सुरक्षा करोगे? सो बताओ। अरे आपका क्या नाम हुआ? जावेद। 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 और कौन से वार्ड में घर हुआ? मैं तो छतरपुर रहता हूँ। अच्छा छतरपुर रहते थे, छतरपुर में भी तो इस बार उसको किसको देख रहे छतरपुर में? मैं बीजेपी खत्म है। बीजेपी खत्म है, खत्म है, खाली झाड़ू कांग्रेस में टक्कर है, झाड़ू में और कांग्रेस में टक्कर है। चलिए एक भैया मिला, ये बहुत यार, बंटवारे का काम करती है बीजेपी, बंटवारा का काम। देखो एक भाई मिला इतने देर में, जो कहा बीजेपी बंटवारा का काम करते है, बीजेपी खत्म है। ऐसी पार्टी को वोट दो जो दोनों को साथ लेके चले, दोनों को साथ लेके, हिंदू हो या मुस्लिम हो, चलिए है ऐसे आदमी को वोट दो। चलिए ये बहुत अच्छा आपने कहा। हाँ नहीं नहीं, ये बोला छतरपुर में, छतरपुर में, छतरपुर में, तो कोई बात नहीं, तो पड़ोस में, ये कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आइए कोई नहीं, आप इधर आओ। आप नाम बताइए। राम बाबू। कौन से वार्ड में घर हुआ? वार्ड नंबर 2, गढ़वाल कॉलोनी। गढ़वाल कॉलोनी। तो आप क्या देख रहे किसको?
बस वही बीजेपी, बस वही बीजेपी, बीजेपी। किसने सिखा के भेजा क्या? नहीं नहीं भाई जी, बीजेपी के देना। हाँ बीजेपी के देना। नहीं अभी कोई कहा तो नहीं है कि भाई नहीं 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 नहीं, मोदी हमारे जब दिल की बात कहो यार, चैनल पे हो। हाँ मोदी जो है मेरे देश के राजा हैं। अच्छा हाँ, उनसे बढ़िया कोई नहीं प्रधानमंत्री आया है न आएगा। यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है भाई साहब, यहाँ तो रोड नाली रास्ते का चुनाव है, प्रधानमंत्री का कहाँ बात हो जाए। कैंडिडेट वो सही है, कैंडिडेट सही है। आपका क्या नाम हुआ? इधर रहिएगा। ये बोल रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं। हाँ ये कितना सही बोला, आप इनके बातों से सहमत हैं? नहीं। हाँ नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? किसको देंगे वोट आप? ये तो बोल रहे हैं बीजेपी, आप किसको करेंगे? मैं केजरीवाल को दूंगा, झाड़ू को। चलिए भाई, इतना देर में एक हाथ एक झाड़ू, खाता खुला भाई दोनों पार्टी की। बेशक पड़ोसी वार्ड से है, लेकिन आप, आपका घर यही है? कौन से वार्ड में? ये वार्ड दो। वार्ड दो में केजरीवाल साहब को क्यों? ऐसे वो काम करता है, सब कुछ है, हॉस्पिटल खुलाया, फ्री में इलाज करवाता है, सब कुछ करवाता है, क्या नहीं किया, बिजली मुफ्त किया, सब कुछ किया है। गरीब आदमी को ये देखता है, मोदी क्या देखता है? गरीब आदमी को बीजेपी देखा है कभी? गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है। तो चलिए, ये भैया का पसंद है केजरीवाल, तो एक हुआ केजरीवाल का। यहाँ पर एक भाई साहब है, मैं इनसे बात करता हूँ। इधर है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राकेश कुमार है। और कौन से वार्ड में घर हुआ? वार्ड नौ में। वार्ड नंबर नौ किशनगढ़। पहले ये बसंत कुंज में था, मेहरौली में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या क्या कहना चाहते हैं सर, इस बार चुनाव किस मुद्दे पर होकर किसको देंगे? मुद्दा तो यही है, साफ सफाई का है, और क्या बोलते विकास का है, सड़कें टूटी पड़ी है। लेकिन यहाँ लोग तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं ना, मोदी जी योगी जी, ये तो आम चुनाव है, रोड रास्ता नाली इसका है, इसके लिए सीवरेज हर समय जाम रहता है, बड़ी परेशानी रहती है, नालियां बज बजाती रहती हैं। अब वही चाहते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट आए जो हमारे इसका विकास। आपके नजर में कौन अच्छा है? मेरी नजर में तो सारे ही अच्छे हैं। फिर भी किसी को एक, सबको वोट तो नहीं करेंगे ना सर, एक ही को तो करेंगे, तो एक को ही। तो किसको करेंगे इनमें से? मुझे तो बीजेपी का ही ठीक लगता है कैंडिडेट, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला बंदा है। लेकिन पहले भी तो बीजेपी के कैंडिडेट थे, कैंडिडेट था पर उस नहीं कर पाया, वो कुछ कमी रह गई उसको, नया था। तो ये पुराना बंदा है, एक बार पहले इलेक्शन लड़ चुका है 2012 में, तो इसके ऊपर तक भी है बीजेपी में, तो ये काम करवाएगा, मुझे विश्वास है। अच्छा एक सवाल है सर मेरा, पार्षद के, जो पार्षद का कोई तनख्वाह नहीं होता, आपको पता है? पार्षद का तनख्वाह नहीं, एमसीडी में कोई तनख्वाह नहीं, नहीं होता है, नहीं होता ना। लेकिन आप देख रहे हो कि हर चुनाव जब होता है, पूरा लोगों का दीवारे पोस्टरों से गंदा कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी होर्डिंगे लग रहे हैं। आप ये देखो चारों तरफ दिखाएंगे, ये झंडे लग रहे हैं, तो क्या ये सब फ्री में आता है? नहीं फ्री में तो नहीं आता, पर लोग जो है सहयोग राशि देते हैं, उनसे वो करवाते हैं। लेकिन जो करोड़ों करोड़ लगा के टिकट खरीद के लेकर आएंगे, वो जीतने के बाद क्या लगता है आपको, विकास का काम करेंगे क्या? नहीं मुझे नहीं लगता वो विकास का काम करेंगे, जो करोड़ों टिकट लेके आएगा वो विकास कहाँ करेगा, वो अपना विकास करेगा। सुनने में आ रहा कोई पार्टी 2 करोड़ में टिकट बेच रही, कोई पार्टी 3 करोड़ में टिकट बेच, और लोग खरीद रहे हैं। वो तो पहले अपना घर भरेगा, फिर बाद में पब्लिक की देखेगा। जो लोग करोड़ों में टिकट लाते हैं वो तो पहले अपना घर भरेगा, पब्लिक तो बाद में देखेगा। वो ये तो लग रहा है कि इस बार फिर बीजेपी को लाएंगे तो विकास होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बीजेपी आएगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि विकास नाम है, जो जिसका नाम विकास हो मेहरौली से भाग गया है। नहीं ऐसा नहीं है, उम्मीद रखो सब ठीक होगा। आपका क्या कहना भैया, मेहरौली से विकास भाग गया कि यहीं पर है? ये तो मुझे नहीं पता, लग रहा है इलेक्शन के बाद भाग ही जाएगा। इलेक्शन के बाद भाग जाएगा। आप किसको पसंद कर रहे हो? मैं तो कांग्रेस को पसंद करता हूँ। आप कांग्रेस जी? चलो भैया, एक झाड़ू एक हाथ, हर साल अब बाकी फूल, हर साल में मतलब हर 5 साल में मंत्री बदलना चाहिए तभी काम होगा। ये बात इन्होंने बहुत सही कहा, हर 5 साल में मंत्री को बदल दो, जैसे यूपी में बदलाता था, एक बार मायावती एक बार मुलायम, एक बार मायावती एक बार मुलायम, तभी काम होता। हाँ मान लीजिए 20 साल से एक पार्टी रहेगा, 20 साल से एक पार्टी रहेगा तो काम नहीं होता उससे, कि उनको भी मंत्री को भी पता होता है तो हमें ही मिलेगा पैसा और किसी को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हर 5 साल में बदलना चाहिए हर पार्टी। अभी 5 साल में कांग्रेस आ जाए, 5 साल में केजरीवाल आ जाए, 5 साल में मोदी जी आ जाए, 5 साल में और कोई आ जाए, मतलब हर 5 साल में बदलना चाहिए, हर 5 साल में बदलना चाहिए। ये बहुत सही कहा, क्योंकि रुका हुआ पानी बदबू देने लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलता हुआ पानी सही रहता है। इनकी बातों में भाई दम है, मैं एकदम इन्होंने सही कहा,
पांच साल में नेता को बदल दो, जो एक जगह बैठेगा उसको जंग भी लग जाएगा और वो काम भी नहीं करेगा। और थोड़ी जो पार्टी 20 साल से लगातार होके आ रहा, वो अगले बंदा सोचे, मंत्री भी सोचता रहता ये पार्टी हमारी है, चाहे वो मतलब मेरा बपौती हो गया हुआ है। बिल्कुल, जो मटका पलटाओ चाहे सीधा करके रखो, उसी में ही गिरेगा सारे पानी। उसी लिए हर पाँच साल में बदलना चाहिए हर पार्टी। चलिए, क्या नाम बताया था? बस मलिक। और कौन से वार्ड में घर? और नंबर 2 में नहीं, मैं किशनगढ़ में हूँ। तो वार्ड नंबर 9 मेहरौली में ही है ना वोट आपका? जी जी। इन्होंने ये भाई का इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा है। एक भैया और है, इधर आइएगा आप। क्या नाम हुआ? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी, आप क्या करें, इन्होंने तो बहुत अच्छा बात कहा। इनकी बातों से आप सहमत है कि नेता बदलना चाहिए? नहीं, बदले तो है, बीजेपी वाले ने बदल दिए। अच्छा, बीजेपी वाले, अच्छा मतलब दूसरे थे, उन बातों का आप वो मतलब निकाल के बीजेपी ने चेहरा बदल दिया। ये बोल रहे हैं पार्टी बदला, बोले चेहरा थोड़ा बदलनी चाहिए, खाली बीजेपी का चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए, हर पाँच साल में बदल देना चाहिए बीजेपी का चेहरा, हर साल, हर पाँच साल। पार्टी तो वही है, सिद्धांत भी वही है और नियम भी वही है, काम भी बढ़िया। पिछले पाँच साल में काम बढ़िया हुआ हुआ पाँच साल बढ़िया काम हुआ बीजेपी ने किया बढ़िया, तो फिर कैंडिडेट उनको टिकट दे के फिर छीन क्यों लिया? इसलिए पाँच साल में बदलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी आपने बोला बहुत। अरे भाई साहब सुनो ना, सुनो भी कुछ, अरे सुनो भाई मेरे, अरे भैया भैया सुनो, ये आपके कहना पिछले पाँच साल में मेहरौली में बहुत विकास हुआ तो आपको पता है टिकट खाली मेहरौली का विकास मत देखिए, पूरे देश का विकास। भैया साहब, ये भैया जी, ये चुनाव आम मुद्दे पे, ये किस लिए चुनाव लड़ जा? एमसीडी नहीं, एमसीडी का चुनाव कहाँ हुआ? आज तो मुझे बड़ा अजूबा सा लग, ये ऐसा लग रहा है कि आठवां अजूबा है, यहाँ पे सूखा सूखा दिख रहा है। नहीं तो जब भी आता था इसमें से इतना तेज पानी निकलता यहीं से, इसी जगह से। बीजेपी का सरकार है तभी तो है, केजरीवाल ने खान करके रोड के करवाए हैं सारे रोड। अच्छा, जो अच्छा रोड बना, जो अच्छा काम किया वो बीजेपी, और जो खराब किया वो केजरीवाल, ये जो है जो कुछ नहीं किया कांग्रेस। ये रोड जो है बहुत बढ़िया बना हुआ था, लेकिन इन्होंने पानी का पाइप डाल करके खराब कर दिया, उसके बाद रोड बनवाया ही नहीं, तो गलती किसकी है? चलिए, तो आपने सुना कि लोगों में जो कहना है कि भैया इधर आ जाओ, भैया कैमरामैन नहीं तो कोई मार के चला जाएगा, इधर आ जाओ थोड़ा। क्या नाम है? दीपक। दीपक, सिविल डिफेंस वाले दीपक। हाँ जी। अच्छा, आप थे छठ पूजा में? हाँ जी। चलिए चलिए, मैं दीपक बोला तो चेहरा मैं देख रहा हूँ, कहाँ देख रखा हूँ भाई, तो जब से मैं भटक रहा था। आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? आप तो सिविल डिफेंस में हो, केजरीवाल जी ने आपको एकदम सिपाही जैसा रुतबा दे दिया है, वर्दी भी दे दिया है, तो किसको पसंद कर रहे हो? सर जी, मेरी तरफ से तो बीजेपी को ही वोट है। मेरी तरफ से तो बीजेपी को ही वोट है। अरे यार, सिविल डिफेंस तुम केजरीवाल के हो, अब वोट बोल लो बीजेपी के, कागजदारी वाला बात है भाई। कुछ काम की बात नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा वोट उसको मिलेगा। वर्दी तो केजरीवाल ने दी है, केजरीवाल है, वर्दी को अभी छोड़ देंगे हम। वर्दी छोड़ दो, ये देखो भाई, इसको कह रहे जज्बा, ये है जज्बा, जो वर्दी को यहीं पे छोड़ देंगे। बात बताओ, जब सिविल डिफेंस में खाली बिना निष्काम सेवा ही हो रही है, बस ना कुछ मिल रही है, ना परमानेंट जॉब मिल रही है, ना कुछ मिल रही है, बस निष्काम सेवा हो रही है। तो क्या कह रहे हो, बेवकूफ बना रहे क्या लोगों को केजरीवाल जी? को तो नहीं कह सकते हम, बेवकूफ तो बना नहीं रहे, मतलब नहीं ना, कुछ दे भी नहीं रहे हैं और काम भी ले रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? 10 लाख काटने का टारगेट 2000 का। हाँ जी, तो बेवकूफी बना रहे हैं ना? बेवकूफ की नहीं, वो अपना कर रहे हैं, 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं। अब सिविल डिफेंस, अच्छा तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती है सिविल में? कितना तनख्वाह आपका, कितना पैसा महीने का, कितना है? 22,000 तनख्वाह था, पर अभी तक आया नहीं है, एक बार भी नहीं, खाली बताया था। हो गए मेरे को, 1 साल हो गए। वो ऐसा है ना, हो सकता है तुम्हारे पास जनधन खाता हो, एक मिनट, हो सकता है वो मोदी जी का खुलवाया जनधन खाता हो, उसमें केजरीवाल पैसा भेजना नहीं चाहता जी। मेरा स्कूल से खुला था, ठीक है, स्कूल की तरफ से खुला था, वही अब आजकल हमारा वही चल रहा है अभी शुरू से। तो खाता बोलो केजरीवाल को, खाता बदल देते भाई, हम जनधन वाला बंद कर देते। अब देखो क्या करते केजरीवाल सर से, अब हमारी तरफ से तो बीजेपी को ही वोट है। तो चलिए, लोगों में देखिए कि अभी तक तो यही है कि कुछ भी है रुझान, जो अभी तक जो हम जहाँ पे बात किए हैं, तो इसके हिसाब से अगर रुझान की बात करें तो नंबर 1 पे चल रही है बीजेपी, और बाकी जो 2-3 पर कौन है इसका पता नहीं है, क्योंकि अभी कुछ रुझान नहीं। अगर और भी दूसरे पब्लिक से बात करते तो आगे बताएंगे। हाँ, यहाँ पर एक भाई एक जूस बेच रहा है, वो शायद वहाँ पर दुकान था उसका। हाँ, ये देखो भैया, जूस वाला भी उधर से इधर शिफ्ट हो गया, पहले वहाँ पे था,
वहाँ होटल खुल गया है, यहाँ जूस का दुकान, क्या नाम है? राजेश कुमार मंडल। कहाँ घर हुआ? बिहार। और यहाँ कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 9 में। 9 में तो किसको देख रहे हो इस बार? झाड़ू, खाट, सिट्टी, हाथ, फूल? कमल के फूल। कमल के फूल। अरे भैया कोई सिखाया तो नहीं है? सिखाया। कमल के फूल, कमल के फूल। कमल का फूल, कमल क्यों? कमल का फूल क्यों? इसलिए कि बीजेपी है उनमें। अच्छा बीजेपी है। अब बिहार में कौन है? बिहार में जो भी हो, जहाँ रह रहे वहाँ बीजेपी का सारा सपोर्ट मिल रहा है। ये भी बात इनका कहना सही है कि जहाँ रहते वहीं की बात करें, जहाँ नहीं रहते वहाँ की बात नहीं। तो चलो अगली बार अगली और दूसरे जगह चल के देखते हैं क्या पब्लिकों का क्या रुझान है। तो अभी तक फिर कुल मिला के रख दूं कि अभी तक जो अगर नंबर वाइज बात करें तो पहले पदान पे जो है वो बीजेपी है। चलिए तो आगे की ओर चलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।